नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने अब तक आपको बहुत सारी रहस्यमयी जगहों के बारे में, रहस्यमयी समुद्रों के बारे में और ऐसे ही न जाने कितनी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में आपको मेरे YouTube चैनल के द्वारा जानकारी दी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको किसी रहस्यमयी जगह के बारे में नहीं, ये किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको इन सबसे अलग कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता से, दुनिया भर से हम सबको इतना आकर्षित करती है कि उनको देखकर स्वर्ग जैसा कहना भी कम नहीं होगा। आप सबने सात अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनमें से एक अजूबा भारत में भी मौजूद है। लेकिन आज हम इन सात अजूबों से भी अलग और भारत की ही बहुत सारी सुंदरमय जगहों से भी अलग छह ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूला करें। चलिए अब चलते हैं इन छह जगहों की वर्चुअल सैर पर। नंबर छह, प्लिटविस झील, सेंट्रल क्रोएशिया। प्लिटविस झील राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है और क्रोएशिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। इस झील को दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में भी गिना जाता है। इस अविश्वसनीय राष्ट्रीय उद्यान में 300 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में वुडलैंड्स, झीलें, गुफाएं और झरने शामिल हैं। यहां कुल 16 झील है, जिसमें 12 झीलें सतह से थोड़ी सी ऊपर हैं, तो 4 झीलें नीचे की ओर हैं। झील में कई प्रकार के खनिजों की वजह से झील का रंग फिरोजी दिखाई देता है। झीलों का रंग भी पानी में खनिजों की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है, जो इस झील को आकर्षक बनाने का मुख्य कारण है। पर्यटक आसपास घने जंगलों और समृद्ध वन्य जीवन को देख सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भेड़िया, चील, उल्लू, यूरोपीय भूरे भालू और पक्षियों की 126 प्रजातियों का घर है। सर्दियों के मौसम में झीलें और झरने जम जाते हैं, और वसंत और पतझड़ के दौरान राष्ट्रीय उद्यान में पानी की अधिक मात्रा देखी जा सकती है। नंबर पांच, झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, चीन। आप सबने अवतार फिल्म के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर आपने यह फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें फ्लोटिंग माउंटेन्स दिखाए गए थे, जिनको अगर हम एक आम शब्द की भाषा में बोले तो तैरते पहाड़ कहां जाएगा। इन पहाड़ियों को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ऐसी ही पहाड़ियां धरती पर भी मौजूद है। कहां, चलिए हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जमाने में इन पहाड़ों को कई बार फेक समझ लिया जाता है। चीन के झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क की तस्वीरों को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसी फिल्म के पहले पार्ट में हालेलुया माउंटेन्स देखे गए थे, वो कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि इसी धरती पर यह स्वर्ग जैसी सुंदर जगह बसती है। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में वैसे ही खंभेनुमा पहाड़ मौजूद हैं, बस ये स्थिर हैं और हवा में नहीं तैरते। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और प्रोडक्शन डिजाइनर्स ने भी बताया था कि उन्होंने इस तरह के पहाड़ों की कल्पना ही दुनिया में जगह जगह मौजूद पिलर रॉक्स और माउंटेन से ली थी। पार्क में मौजूद सबसे ऊंचे 3,544 फीट के सदर्न स्काई कॉलम का नाम भी आधिकारिक तौर पर अवतार हालेलुया माउंटेन रखा जा चुका है। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क चीन का पहला फॉरेस्ट पार्क है, और यह चीन का पहला पार्क था जिसे यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था, और अवतार फिल्म ने इसे दुनिया भर में नाम दिलाया है। चीन का करीब 69% जंगल इसी क्षेत्र में है। हुनान प्रांत के वुलिंगयुयान में यह करीब 11,900 एकड़ में फैला है। इसमें 3,000 से ज्यादा पिलर्स हैं, जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से भी अधिक है। यहां करीब 40 गुफाएं हैं। यहां की खूबियों से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है स्वर्ग का दरवाजा, यानी हेवन गेट। यहां आने वाले पर्यटक इस स्पॉट की तस्वीरें लेना कभी नहीं भूलते। नंबर चार, बागान के मंदिर, म्यांमार। म्यांमार के प्राचीन शहर बागान में कई मंदिर मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।
सन 1105 में बने इन मंदिरों का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के आनंदा मंदिर को मौन वास्तुकला का सबसे पुराना मौजूद मास्टरपीस माना जाता है। इसके अलावा इसे बागान मंदिरों में सबसे बेहतरीन, सबसे भव्य, सबसे अच्छी तरह संरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। आइए इसके इतिहास के बारे में विस्तार से समझते हैं। म्यांमार बर्मा के एक प्राचीन शहर बैगान में 900 साल पहले 10,000 से अधिक भव्य मंदिर बनाए गए थे। बैगान शासकों ने बैगान में 10,000 से अधिक बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। बैगान सिटी मांडले क्षेत्र में इरावदी नदी के किनारे स्थित है। बैगान 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक पैगान साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर पैगान साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यह समृद्धशाली शहर उस समय धार्मिक शिक्षा का एक बड़ा अध्ययन केंद्र बन गया था। यहां अध्ययन के लिए बौद्ध भिक्षु और विद्वान भारत से भी आते थे। बैगान शहर 9वीं शताब्दी के मध्य में राजा अनावृत के कार्यकाल में पावर सेंटर बना था। उन्होंने पूरे बर्मा को थेरावद बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत संगठित किया था। मध्य म्यांमार में ये बौद्ध मंदिर और पैगोडा 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इनमें 2200 मंदिर और पैगोडा अभी बचे हुए हैं और शेष लगभग नष्ट हो चुके हैं, जिनके अवशेष फैले हुए नजर आते हैं। बहुत से मंदिर भूकंप की वजह से नष्ट हो चुके हैं। ये मंदिर और पैगोडा आज पर्यटकों को अचरज में डालते हैं कि इनका अतीत कितना भव्य रहा होगा। नंबर 3, सेंटोरिनी आइलैंड ग्रीस। विश्व पर्यटन के नक्शे पर उभरे ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड की पहचान छोटे छोटे सफेद रंग के घर और रेस्टोरेंट्स हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी यह पसंदीदा जगहों में बेशुमार है। ग्रीस में ईजियन समुद्र के किनारे विशाल चट्टान पर 73 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसे इस आइलैंड पर 2 छोटी सिटी फिरा और ओइया हैं। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक खूबसूरती होने से हर साल 3,00,000 से अधिक पर्यटक यहां आते हैं। इस कारण रियल एस्टेट के विदेशी, खासतौर से अमेरिका और यूके के निवेशक यहां की संपत्तियां खरीदने लगे हुए हैं। ग्रीस में सेंटोरिनी आइलैंड का निर्माण 30-40 लाख साल पहले ज्वालामुखी संबंधी गतिविधियों से हुआ था। 3,000 साल पहले तक यहां के ज्वालामुखी सक्रिय थे। यहां की चट्टानों का ज्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी फटने के बाद लावा के अतिरिक्त मलबे का हिस्सा है। सेंटोरिनी नाम इस आइलैंड को 1153 में इतालवी मूल के लोगों ने दिया था। वे कुछ दिन यहां रहे थे। आर्थिक रोशन की बैंग बैंग और सलमान खान की वांटेड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहां हुई है। नंबर 2, रेनबो माउंटेन, झांगिए डांगसिया, चीन। रेनबो माउंटेन चीन के झांगिए डांगसिया इलाके में स्थित है। यह जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको यह एक रंग बिरंगे सपने की जगह जैसी लगेगी। इस जगह को देखकर आपको यह भी लगेगा कि आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। इन रंग बिरंगे पहाड़ों को देखना एक बेहतरीन अनुभव होता है। प्राकृतिक तरीके से बने इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से चीन आते हैं। नंबर 1 वाली जगह पर जो हमने जगह रखी है, वह हमने बड़ी सोच समझ कर रखी है, क्योंकि इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था कि हम कुछ ऐसी प्राकृतिक जगह के बारे में बताएंगे जो अपनी सुंदरता से हम सबको आकर्षित करती है। तो ऐसी बहुत सारी जगह के नाम मेरे सामने आए जो नंबर 1 पर हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो इस नंबर 1 पर भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी हुई हो। नंबर 1 वाली जगह को जानने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट भी कर दो कि पहले नंबर वाली जगह कौन सी हो सकती है, और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए अब हम आपको पहले नंबर पर जो जगह है उसका नाम बताते हैं। द अमेज़न। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण अमेरिका के लगभग 40% हिस्से को कवर करते हुए अमेज़न हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा वर्षा वन है, और अकेले 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों और 1,300 पक्षी प्रजातियों का घर है। लेकिन जब भी संभव हो, घुमावदार नदियों और विविध वन्य जीवन का दौरा करना सुनिश्चित करें। जलवायु परिवर्तन,
मानव निर्मित आग के साथ हर दिन निवास स्थान को तेजी से नष्ट कर रहा है। आज की वीडियो का मुख्य कारण आपको इन प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराने का तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण मेरा आज की वीडियो बनाने का जो था वह यह था, अगर हमें हमारी पृथ्वी की इस प्राकृतिक सौंदर्य को ऐसे ही बना के रखना है तो कृपया करके अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों को नष्ट करना प्लीज जितना हो सकता है उतना कम करें। और अगर हम सबने अपने स्वार्थ के लिए इन प्राकृतिक सौंदर्य को, इन वनस्पतियों को नष्ट करना कम नहीं करा तो इस ग्रह का अस्तित्व खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक तो करिएगा या नहीं करिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।